हाय गाइस वेलकम बैक टू रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स मैं मायके से वापस आ गई हूँ और आते ही लेडीज़ का सबसे पहला काम क्या होता है घर की सफाइयाँ और अब टाइम है वॉशरूम क्लीनिंग का तो बाथरूम आलमोस्ट साफ था क्योंकि मैं जाने से पहले भी धो के गई थी और आपको पता है कि मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे वॉशरूम धोती रहती हूँ कई बार डेली धोती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैंने डिटर्जेंट डाला है बाल्टी टब वगैरह इन सारी चीज़ों को साफ़ करूंगी अगर आप डेली वे पर ये चीज़ें नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के करते रहें इससे क्या होता है कि गंदगी भी नहीं होती और मेहनत भी जो है ना वो कम लगती है आपका टाइम भी सेव होता है तो जो रोज़ आपको पाँच मिनट निकालने पड़ेंगे फिर आप तीन चार दिन बाद करोगे तो फिर आपको आधा घंटा निकालने पड़ेगा और मेहनत भी दुगनी करनी पड़ेगी इसलिए मैं काम जो है वो डेली वे पे करती रहती हूँ और टॉयलेट क्लीनर आपको पता है आजकल मैं डोमेक्स का जो है वो ट्राई करती हूँ और ये ज़्यादा बढ़िया लगा हार्पिक से ये बहुत अच्छे से साफ़ करता है इसको आपको टॉयलेट को लगा के रखना होता है पंद्रह बीस मिनट बाद आपको साफ़ कर देना है सारा साफ़ हो जाएगा और जो भी कचरा वचरा है वो मैंने उठा के फेंक दिया और बस ये एक छोटा सा स्क्रब रखा हुआ है जिसकी हेल्प से मैं आराम से बैठ के पूरे वॉशरूम को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ दीवारें वगैरह सब कुछ साफ़ थी क्योंकि मैं जाने से पहले करके गई थी और अल्टरनेट डेज पर करो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता बाथरूम हाँ अगर आप ये सोचो कि मैंने वेडनेसडे को किया था मैं वेडनेसडे को ही करूँगी तो आपका जो वॉशरूम है वो ज़्यादा गंदा होता है क्लीनर्स वग़ैरह ज़्यादा हार्ड मैं यूज़ नहीं करती रेड हारपिक रखा हुआ है कभी ज़रूरत पड़े तो मैं रेड हारपिक यूज़ कर लेती हूँ अदरवाइज़ केमिकल्स वग़ैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और ग्लव्स पहन के इतनी गर्मी में काम करना अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है और यहाँ पे पंद्रह बीस मिनट इसको लगे हुए हो गए थे तो मैंने पानी लेके इसको जो है वो साफ़ करना शुरू कर दिया क्योंकि अपने ही हाथ में हैं दो जन ही यूज़ करते हैं तो वॉशरूम इतना गंदा नहीं होता हाँ पहले ज़्यादा गंदे होते थे तो उनको साफ़ करने के लिए मेहनत भी ज़्यादा चाहिए होती थी लेकिन अब मेरा ये तरीका है कि रोज़ के, रोज के पाँच मिनट निकाल के वॉशरूम को साफ कर लो तो फिर जो है वो ज़्यादा गंदगी नहीं होती केमिकल यूज़ नहीं करने पड़ते ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और दूसरों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए जाएं। दस मिनट सर्फ़ लगाने के बाद मैंने ये वाला पोछा लेके उसको अच्छे से रगड़ दिया और बस अब दीवारें जो है वो इसकी हेल्प से जो साफ़ कर लूँगी और बाल्टी भर के पानी डाल दूंगी और सारा जो है बाथरूम क्लीन हो जाएगा बस दिस इज़ अ वेरी बोल सकते हो आप बहुत ही आसान सा तरीका है अपने वॉशरूम को खिलता रखने का साफ सुथरा रखने का कोई भी स्मेल नहीं आती कोई भी स्टेन नहीं होता अगर आप चार पांच दिन पे सफाई छोड़ते हो फिर ही आपको जो है वो गंदगी देखने को मिलती है और फिर टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है बस रोज इन चीज़ों के लिए पाँच पाँच मिनट निकालते जाए आपका काम भी जो है हल्का होता है मेहनत भी बचती है और बस घर भी साफ़ सुथरा रहता है थैंक यू वेरी मच गाइज़ फ़ॉर वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें